बरेली के उत्तर प्रदेश में आशा वर्कर्स यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष शिववती साहू के नेतृत्व में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया और मांग की है कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा हैं, दिन रात बड़ी मेहनत से काम कर रही हैं, उनका मानदेय बकाया है, उसको नहीं दिया गया है। कार्य के दौरान चोट लगने पर चिकित्सा की सरकार व्यवस्था एवं मुफ्त इलाज व मृत्यु होने पर परिवार को मुआवजा एवं बेटियां बहुओं को आशा का पद दिया जाए, बाउचर प्रथा बंद की जाए, हमारा न्यूनतम वेतन कर सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाया जाए एवं समय सीमा तय की जाए, सभी आशा कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि PF का सदस्य बनाया जाए, वह बिना पेंशन ग्रेजुएटी किसी भी आशा कर्मी की सेवा निवृत्त ना किया जाए, वर्ष 2019 से 2023 मार्च तक के सभी बकाया भुगतान तत्काल कराए जाए। मेरा नाम शिवपति साहू, जिला अध्यक्ष बरेली। मांग हमारी ये है कि हमारी आशा बहनों का जो भुगतान बाकी का रह गया है, जो 750 वाला भी रह गया है हमारा भुगतान, जो 2021 में और 2020 का 20 से लेके 22 तक का जो भुगतान हमारा बाकी रह गया था, हमारा वो है कि हमारी आशाओं का कम से कम वो भुगतान पड़ जाना चाहिए। मार्च आने वाली है, मार्च अब ख़त्म हो जाएगी 31 मार्च तक, तो हमारी आशाओं का जो भी भुगतान है वो लगातार लमसम हमारा भुगतान है। कार्य के दौरान जो चोट उट लग जाती है हमारी आशाओं के लिए, वो पैसा कभी नहीं मिलता है, आज तक मिला ही नहीं वो पैसा कभी चिकित्सा सुविधाओं का। और जो आयुष्मान कार्ड वगैरह जो बनवाए थे हम लोगों ने, उसका भी कोई पैसा नहीं दिया गया, भुगतान नहीं हुआ। लमसम भुगतान, हमारे सारे भुगतान लमसम, कोई भुगतान ऐसा नहीं है जो कि हमारा पूरा हुआ है। आज तक जो हमारे भुगतान है सब आधे अधूरे पड़े हैं, हमारा भुगतान होना चाहिए। और आज हम ज्ञापन देंगे अपना CMO साहब के लिए, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देंगे। हमारा ये धरना आज का है, फिर हमारा 17 तारीख को है यहाँ कमिश्नर के यहाँ, और हम धरना अपना ऐसे ही देते रहेंगे, क्योंकि मार्च तक अगर हमारा पैसा नहीं आएगा तो ऐसे ही हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।